सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आइए, आज बार है संडे और आपको आज पहले दरगाह शरीफ के बाहर का माहौल दिखाएंगे, दरगाह बाज़ार की, फिर आपको लेके चलेंगे दरगाह शरीफ के अंदर, दरगाह शरीफ ज़ियारत करवाएंगे और अंदर के भी का माहौल वो भी आपको दिखाएंगे। तो बना रही है वीडियो, आप लोग पूरा देखिए। आज संडे का दिन, पहले बाहर का माहौल देख लीजिए, फिर दरगाह शरीफ भी ज़ियारत कीजिए। चलिए कैमरा घुमाते, पहले बाहर के माहौल आपको दिखाते और फिर आपको ले चलेंगे दरगाह शरीफ के अंदर। तो बना रही है वीडियो, आप लोग पूरा देखिए जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये देखिए आज दरगाह बाज़ार की माहौल कैसा है। आज बार है संडे, छुट्टी का दिन है, तो देखिए आज इतना जारी नहीं दरगाह बाज़ार में कैसे चहल पहल है। और दरगाह बाज़ार में रोड में जो बाज़ार लगता है वो अभी भी लगा हुआ है। तो देखिए अभी ये मार्केट की हालत कैसे है, कैसे यहाँ का माहौल है, आप लोग देख लीजिए। अभी सुबह 8:20 है, देखिए यहाँ के माहौल दरगाह बाज़ार की। आज तो आज पहले बाहर का माहौल आपको दिखा रहा हूँ और फिर आपको लेके चलेंगे दरगाह शरीफ के अंदर, दरगाह शरीफ ज़ियारत करवाएंगे और अंदर की भी माहौल आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर जो बाज़ार लगता है माशाल्लाह किस तरह लगा हुआ और कैसे यहाँ की मतलब माहौल है, आप लोग देख सकते हैं जी। देखिए तो आज बार संडे है और अंग्रेजी आज तारीख हो गया 22 और चांद की तारीख कितना है मुझे याद नहीं है, ध्यान पर नहीं है, आप लोग हिसाब जोड़ लीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह अब ये दरगाह बाज़ार की माहौल, ये रोड सीधा आना शकर की तरफ जाता है आपका मालूम है। तो आगे और हम नहीं जाएंगे यहाँ से, आप आगे का भी माहौल देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देते आपको। तो मैंने आगे का भी हालचाल दिखाया हूँ, जूम करके भी एक बार और करके दिखाते आपको, देख लीजिए। ये है आगे का माहौल, आइए यहाँ से कैमरा घुमाते हैं। सुभान अल्लाह। ये दरगाह शरीफ का मेन गेट, गेट को ज़ियारत कीजिए और चलिए आपको इसी गेट से अंदर लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले गेट के सामने का हलचल या माहौल किस तरह आज है देख लीजिए आप लोग। आज बार संडे है, छुट्टी का दिन है और अंग्रेजी आज 22 सितंबर है। देख लीजिए आप लोग आज का माहौल, माशाल्लाह सुबह 8:20 है, 8:30 बज गया, मतलब समझ लीजिए आप लोग 5-10 मिनट भी आगे पीछे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, और ज़ियारत कीजिए और आज का दरगाह बाज़ार का भीड़ देख लीजिए माशाल्लाह। अभी तो सुबह 8:20 है और जितने भी दिन होगा और पब्लिक यहाँ पर आते रहेंगे। अभी तो मान लो कुछ पब्लिक आराम भी कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, अभी सब धीरे धीरे आएँगे बाहर और माहौल यहाँ की और भी बेहतरीन बनेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए आप लोग दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए और माहौल भी आप लोग देख लीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, उनको भी ज़ियारत हो सके आपके ज़रिए से। ये देखिए ये मेन गेट, धीरे धीरे मैं मेन गेट के पास आ रहा हूँ और माहौल और अच्छा बनते जा रहा है, माहौल और अच्छा देखते जा रहा है। देखिए ये नगर निगम का ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, कचरा लेके जाता है इसमें। और ये मेन गेट के सामने लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा थोड़ा क्राउड हो जाता है। तो अभी मेन गेट से अंदर जाने से पहले आप ये देख लीजिए 2.5 दिन को झुपड़ा तारागढ़ जाने वाला रास्ता की मंजर कैसे है, यहाँ पर कितना भीड़ है। आइए इधर देखिए, रेलवे स्टेशन से आने जाने का नाला बाज़ार की मंजर देख लीजिए। चलिए आप मेन गेट से अंदर चलते हैं और दिखाते हैं जो आज अंदर की मंजर कैसा है। चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के अंदर से चल रहा हूँ, ये देखिए ये मैं अंदर दाखिल हो गया हूँ।
और अंदर दाखिल होते ही ये दो फूल की दुकान आता है। यहाँ की मंजर देख लीजिए, आज यहाँ पर इतना पब्लिक है और ये गेट में घड़ी लगा हुआ देखिए। तो 8:25 हो चुका है। आगे ये देख पा रहे आप बुलंद दरवाज़ा, ये देखिए बुलंद दरवाज़ा, और बुलंद दरवाज़ा के सामने का ये मंजर देखिए आप लोग। इधर देखिए अकबरी मस्जिद, ये देखिए। और आप इधर देख लीजिए बाहर से आने जाने का 2 नंबर गेट। और ये देखिए बुलंद दरवाजा के नीचे का चैल फैल, यहाँ के चैल फैल देख लीजिए आप लोग। ये देखिए छोटी देख जी, आज इसके ऊपर कोई नहीं है, देख सकते हो आप लोग। और ये देखिए बाबा के गुम्बद ज़ियारत कीजिए। और ये दोनों डेक का 20 का मंजर देख लीजिए आज, माशाल्लाह कितना पब्लिक यहाँ पर है। और ये देखिए बड़ी देख के ऊपर भीड़ है, जारिन है, आप लोग देख सकते हैं। और दोनों डेक का 20 का जो जगह है यहाँ पर कितना पब्लिक है, कैसे भीड़ है यहाँ का देख लीजिए। इधर से 3 नंबर गेट भी आता बाहर से आने जाने का, यहाँ वजू खाना भी है, ये देख सकते हो वजू खाना, ये महफिल खाना, हर जुमेरात को महफिल होता है यहाँ पर। और ये देखिए बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट लंगर खाना गेट, इस गेट के अंदर लंगर भी बढ़ता है सुबह शाम। और लंगर खाना गेट से अंदर आती है पहले वजू खाना आ जाता है, देखिए वजू खाना के सामने का मंजर आप लोग देख ही सकते हैं, ये देखिए। ये देख कर खाना बांट रहे हैं यहाँ पर देखिए, तबारुक मीठा चावल। ये बुलंद दरवाज़ा अंदर की तरफ से यहाँ का पूरा माहौल आप लोग एक बार और देख लीजिए। चलिए और आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम भाई, वो आपको याद कर जी 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 वहाँ बैठा हुआ है, अभी जाकर उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे कोई सब्सक्राइबर है जो शाहजानी में इंतज़ार कर रहा है, देखेंगे कहाँ से आया है पूछेंगे। ये देखिए आमदन के दरवाजा नहीं, उधर से ज़्यारत कीजिए, फिर आगे से भी कराएँगे शाहजानी मस्जिद से भी। और ये देखिए शामदली मस्जिद, मस्जिद शंदल खाना लिखा हुआ ऊपर, ये देखिए इसके अंदर की मंजर आज देख लीजिए। चलिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आताई नूर में आ गया हूँ, देखिए आताई नूर का मंजर और यहाँ से गुम्बद शरीफ बाबा की ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए पूरा आताई नूर का मंजर आप लोग देख लीजिए कहाँ पर कितना पब्लिक है। और ये देखिए पेड़ के नीचे तराजू है जो मन्नत के बच्चे लोग तोलते, देखे आज किसी बच्चे को तोलने के लिए आया लोग, ये देखिए यहाँ का पूरा माहौल देख लीजिए आप लोग। ये बच्चे को रख रहा देखिए, चलिए आगे चलते हैं। और माशाल्लाह देखिए आता रोड में ऊपर तिरपुर लगा दिया कि कपड़ा लगाया, देखिए शामियाना लगा दिया है देखिए माशाल्लाह, अभी ऊपर से धूप नहीं आएगा। और माशाल्लाह आस्था शरीफ के अंदर क्लियर भी देखेंगे। और अभी ये देखिए यहाँ पे कवाली चल रहा है, यहाँ की माहौल देख लीजिए। और आइए आप आताई नूर से आस्था शरीफ ज़ियारत कीजिए और यहाँ की मंजर देख लीजिए, आज कितना लाइन है लंबा देख लीजिए। और आप दुआ मांग लीजिए, ज़ियारत कीजिए आस्था शरीफ से। माशाल्लाह इस तरह माहौल है आज, ये आता है नूर का माहौल आपको दिखा रहा हूँ।
और ऊपर स्टेट पर लग गया। अच्छा लग रहा, छाया है, धूप से राहत है आज। अभी दो दिन से थोड़ा गर्मी भी बढ़ गया इधर का। ये देखिए पायथी में लेके आए हो, पायथी का मंजर देखिए। और आज दो तीन दिन से थोड़ा उमस का गर्मी भी बढ़ चुका है इधर। कभी भी बारिश हो सकता है क्योंकि अभी थोड़ा उमस का गर्मी फिर से बढ़ चुका है। ये देखिए खत्म होते दुआ कर रहा है। आइए ये पायथी सब गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए। देख लीजिए पूरा पायथी का मंजर, आप लोग देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह आज के माहौल यहाँ पर कैसे है। और यहाँ पर कबाली भी चल रहा है और यहाँ पर गाड़ी बहुत कम बैठे हुए हैं। जो भी है माहौल कैसे है आप लोग देख लीजिए। चलिए आइए आप पायथी से आस्था से ज़ियारत कीजिए, जहाँ पर आप कदम उसी करते हैं फिर आपको आगे लेके चलेंगे। ये देखिए पायथी से आस्था से ऑलरेडी यहाँ पर दो मोबाइल है और मैं भी आ गया हूँ, लेकिन ज़ियारत के लिए दुआ मांग लीजिए। पायथी जगह बाहर से ज़्यादा रश नहीं, इसलिए अंदर थोड़ा क्लियर देख नहीं रहा, फिर भी आप देख लीजिए, मैं जूम करके दिखाते हैं, दुआ मांग लीजिए। आगे चलते हैं। ये VIP गेट, 3 नंबर गेट, अंदर तक मिलेगा रास्ते से। गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए। आइए सुभान अल्लाह, 3 नंबर गेट ज़ियारत कीजिए, दुआ मांग लीजिए यहाँ से। और देखिए यहाँ के मंजर कैसा है। माशाल्लाह दिखा दिया पूरा आपका, अभी है लेके आ रहा हूँ जन्नत के सामने, ये जन्नत दरवाजे के सामने लेके आ रहा हूँ आप लोग। जन्नत दरवाजा भी ज़ियारत की जगह, माहौल भी देख लीजिए सुभान अल्लाह। जन्नत दरवाजा ज़ियारत कीजिए। माशाल्लाह आज यहाँ की माहौल कैसे, यहाँ पर भीड़ है थोड़ा देख सकते हो। ये बुलंद दरवाजा भी दिख रहा है यहाँ से, देखिए। तो आइए आप लोग यहाँ से आस्था से 4 नंबर गेट भी ज़ियारत कीजिए और यहाँ के माहौल भी देख लीजिए। देखिए आसपास के माहौल मंजर देख लीजिए आप लोग। चलिए चलते शाहजन में। वालेकुम अस्सलाम और भाई कैसे हो? महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए। अच्छा अभी जो फोन किया था। हाँ फोन किया। अच्छा अच्छा, जो अभी आप आपके इतने बड़े एहसान है कि इसमें मेरे चैनल के माशाल्लाह आपका फैमिली है, घर बैठे आपकी इजारत कर रहे हैं माशाल्लाह। इजारत भी ऐसी कर रहे हैं कि हम ख्वाजा के दरबार भी हैं। मैं आपका दो साल से माशाल्लाह, क्या बात है। हमारे आपके साथ है जी, मेरे दो लड़के दो भाई जी, हमेशा डेली हमसे जुड़े हुए। जब तुम्हारे 8:15 बजे तुम्हारा जॉब ही आता है जी जी है, तो हम लगी देखने के लिए करते हैं ये हमारे घर वाली जी जी। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर है हजरत और महाराष्ट्र सोलापुर से है। मैं करता हूँ कि ख्वाजा के दरबार के आपका चैनल का पूरे हिंदुस्तान में नाम हो सुभान अल्लाह। और हम मैं आता हूँ हर साल में आता हूँ मैं जी जी, ठीक ठीक बोला, इरादा पक्का किया था कि आप मिल के जाएंगे जी जी माशाल्लाह। आज मुलाकात भी हो गया, चलिए बहुत आपका शुक्रिया जी जी। ये मुलाकात देने की आपको बहुत बड़ा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमसे मिले हैं, मुलाकात की है और आप हमारे चैनल भी देखते हैं। चैनल का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो जाए माशाल्लाह, आमीन आमीन, पूरा दुनिया में
सबको शेयर करते जाऊंगा। जी जी माशाल्लाह। जितने मेरे भाई दोस्त है जी जी सबको शेयर करना पर अब लगे खुदा हम जा रहे हैं। जी जी माशाल्लाह। तो ये हमारे सब्सक्राइबर वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आप? कलकत्ता से। क्या नाम है? डॉक्टर शकील है। माशाल्लाह, शकील भाई भी कलकत्ता से मेरा सब्सक्राइबर है और आज हमसे यहाँ पर मुलाकात हो चुके हैं। तो कैसे लगता है मेरा चैनल? बहुत अच्छा। तो माशाल्लाह इस तरह प्यारा सपोर्ट बना रखना, इस तरह मेरा चैनल देखते रहना और आगे शेयर करते रहना, ठीक है भाई जान? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सब मेरा सब्सक्राइबर था, तो मैंने आपसे मिलवा भी दिया और मैं मिल भी गया हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए, मैं शाहजहाँ मस्जिद के अंदर आ गया हूँ और शाहजहाँ मस्जिद के अंदर की मंजर, यहाँ पर देखिए एक चादर सुखाया जा रहा है, धूप लगाया जा रहा है देखिए, और ये पूरा शाहजहाँ मस्जिद के अंदर की मंजर देख लीजिए। ये मेरा कलकत्ता का सब्सक्राइबर था, अभी जो मिले हम लोग, और ये पूरा माहौल आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए बाबा का गुम्बद शरीफ, और यहाँ से कुछ लोग नात शरीफ भी पढ़ रहा है, माशाल्लाह देख सकते हो, यहाँ के नात शरीफ पढ़ रहे हैं बाबा के दरबार से। तो आइए अभी आप बाबा फरीशा को चिल्ला शरीफ जियारत कीजिए और आम मालन के दरबार शरीफ भी जियारत कीजिए। सुभान अल्लाह। ये देखिए बाबा फरीशा को चिल्ला शरीफ जियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए, और देखिए यहाँ के मंजर कैसे है। और ये देखिए अम्मा दिन का दरबार शरीफ माशाल्लाह, यहाँ से पानी की मशक, दूध की मशक ढाला जाता है और इसी मशक आने वाला जायरीन तवरुक रूपी पीते हैं, ला इलाज बीमारी के इलाज इंशाल्लाह। ये देखिए आप लोग यहाँ के माहौल माशाल्लाह, यहाँ के मंजर देख लीजिए। तो चलिए इसी वीडियो में आज हम यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमें दे दीजिए इजाज़त। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो।